अब हम अपनी गेम में क्यू स्टिक मॉडल इंपोर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना वॉलपेपर जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर पिक्चर हमारी स्लाइड है, हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास पिक्चर है, अब देखें ये पिक्चर किस तरह से बनी है। ये हमारे पास एक सिंपल एक मैश है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर एक मैश है प्लेन, और इसको हमने एक मटेरियल असाइन कर दिया। ठीक है, अगर हम मटेरियल पर क्लिक करें, देखें यहाँ पर, तो हमारे पास मटेरियल शो होता है कि यहाँ पर कौन सा मटेरियल है ये। ठीक है, ये देखें ये मटेरियल है, और इसी के साथ देखें हमारे पास इसकी पिक्चर है, और इस पर पिक्चर पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक जो पिक्चर है इसकी वो हमारे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इस पर ये फिलहाल के लिए पिक्चर असाइन है, और ये किस पर असाइन है, मटेरियल के ऊपर, और मटेरियल किसके ऊपर है, इस मैश के ऊपर, तो जिसकी वजह से मटेरियल का हमें पिक्चर का एक्चुअली प्रीव्यू शो हो रहा है इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, हम पिक्चर को चेंज कर लेते हैं। हमारे पास एक पिक्चर है, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखें यहाँ पर मैंने एक पिक्चर डाउनलोड किया। ठीक है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसका फॉर्मेट देखें डॉट पी एन जी होना चाहिए। ठीक है, देखें इसका फॉर्मेट डॉट पी एन जी। ओके, देखें तो यहाँ पर पिक्चर आ गया, और इसको अब हमें स्प्राइट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी तरह से डिफॉल्ट इसको ऐड कर सकते हैं अपने मटेरियल पर। ठीक है, सबसे पहले हम अपने मटेरियल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर मटेरियल, यहाँ पर क्लिक करेंगे मटेरियल, ये मटेरियल आ गया। अब देखें यहाँ से इसको हम लॉक कर सकते हैं इंस्पेक्टर को, कि अगर मैं इसको लॉक कर लेता हूँ तो मैं किसी भी और मटेरियल के ऊपर क्लिक करूँ तो उसकी मुझे करंट प्रॉपर्टीज नहीं शो होंगी जब तक मैं यहाँ से इस लॉक को रिमूव नहीं करूँगा। देखें, ठीक है, मैंने लॉक रिमूव कर दिया, और यहाँ पर देखें मुझे डिफरेंट प्रॉपर्टीज अब शो हो रही हैं डिफरेंट मटीरियल की। तो अब देखें अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ यहाँ पर, और अब चलते हैं अपनी इमेज के ऊपर, और इस इमेज को मैं चाहे क्लिक भी अगर मैं कर लेता हूँ तो ये यहाँ से हाइड नहीं होगा। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस बेस मैप में, और इसके साथ ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इमिशन में। ठीक है, अब चूंकि ये एक इन्वायरमेंट की तरह है, अगर मैं इमिशन को ऑफ करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से डल बिल्कुल दिखता है। ठीक है, और इसके ऊपर शेडोज वगैरह भी कास्ट कर सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको इमिशन असाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे इसको मैसिव बनाएंगे तो यहाँ से हमारे पास ये शो हो जाएगा। ठीक है, और अगर अब हम इसको अपने रूम से देखें तो किस तरह से नज़र आता है। ओके, तो इस तरह से मटेरियल है। उसके बाद हम इसकी इमिशन जो है इसको अब देखें बेग्ड है, हम इसको रियल टाइम कर सकते हैं, और इसकी इमिशन 1.3, और कलर मेटालिक मैप, और अब हम इसको डाउनवर्ड मूव कर देंगे। ओके, तो देखें पहले वाले से ये बेहतर लगे, और अगर इसको और डाउनवर्ड मूव करें तो देखें इस तरह से लग रहा है कि सनरेज हमारी रूम के अंदर आ रही हैं। तो अगर हम थोड़ा साइड पे करते हैं तो देखें सन इस तरह से रूम के अंदर यहाँ पर दिख जाए। तो दैट्स इट, तो ये हमारा देखें किस तरह से वॉलपेपर हमने लगा लिया जो हमारा इन्वायरमेंट का काम कर रहा है बाहर। ठीक है, तो दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी क्यू स्टिक को इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्यू स्टिक हमें ऐड करने, तो सबसे पहले तो हम जाएंगे ब्लेंडर में, जैसे हम अपने एसेट्स जो हम ब्लेंडर में से इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, हमने पहले भी ये किया। तो देखें ये मैंने क्यू स्टिक एक रेडी किया। अब देखें इस पर क्या क्या चीज़ें हैं, अगर मैं इसके एडिट मोड में जाऊँ तो मैंने सिंपल क्या किया है यहाँ से वायर फ्रेम में, तो देखें ये इसके कुछ वर्टिसेस हैं। ठीक है, इतने से इसके वर्टिसेस हैं, और मैंने इस पर किया क्या है, मैंने सिंपल एक शिफ्ट ए करके सिलेंडर ऐड किया। सिलेंडर ऐड करने के बाद उसको यहाँ से सेगमेंट्स में डिवाइड किया। ठीक है, और इसके जो यहाँ पर एजेस हैं, ये जो हमारे पास बाउंड्री एज है, इसको मैंने बेवल कर दिया। ठीक है, और इसके साथ इस पर डिफरेंट मटेरियल्स मैंने असाइन कर दिए हैं डिफरेंट फेसेस के ऊपर। तो देखें अब क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमारे पास है स्टिक वाइट। स्टिक वाइट क्या है, स्टिक वाइट का अगर हम प्रीव्यू कलर देखें तो हमारे पास देखें इसका प्रीव्यू कलर जो है एक्वा कलर है। ठीक है, तो देखें इसका एक्वा कलर के ऊपर मैंने ये जो है ये बेसिकली टिप होगी हमारी स्टिक की जो कुछ मेटेलिक टाइप की होती है, मैंने इसको रैंडम कलर इसी तरह से असाइन कर दिया सिर्फ इसको हाईलाइट करवाने के लिए। और इसके साथ स्टिक ब्लैक जो इसके आगे टॉप पर यहाँ पर लगेगा। ठीक है, फ्रंट पर बिल्कुल लगेगा। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है स्टिक टेक्सचर। अब देखें स्टिक टेक्सचर जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट, इसको मैंने किस तरह से क्रिएट किया और देखते हैं इसके टेक्सचर में
यहाँ पर देखें मैंने इसके यूआई क्रिएट किया, ठीक है। यूआई क्रिएट करने के बाद सबसे पहले तो हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर कौन सी है। मैं इस मटेरियल पर सेलेक्ट करूँगा इसको, और यहाँ से जाके देखें हमारे प्रिंसिपल बीएसडीएफ के साथ जो स्टिक टेक्सचर है, ठीक है, स्टिक टेक्सचर, इसको यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा। स्टिक टेक्सचर देखें जैसे ऊपर ही आ गए, ओके, ये हमारा स्टिक टेक्सचर। अब अगर मैं एडिट मोड में जाऊँ, ठीक है, इसके और इन फेसेस को सिलेक्ट करूँ जिन पर मैंने टेक्सचर अप्लाई किया है, बेसिकली ये जो मटेरियल है ये सिर्फ इस पर अप्लाइड है और इस पर अप्लाइड है, ठीक है, इस सेक्शन में और इस सेक्शन में सिर्फ अप्लाइड है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कंट्रोल प्लस माउस स्पेस बार, ओ सॉरी, कंट्रोल प्लस कीबोर्ड स्पेस बार अगर मैं प्रेस करूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये प्रीव्यू जो है इसका एक्सपेंड हो जाता है। और देखें इस तरह से मैंने इसके फेसेस को स्केलिंग के थ्रू एडजस्ट कर दिया स्ट्रक्चर के, तो इस वजह से इसकी इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रही है। उसके साथ हमारे पास है स्टिक वुड। स्टिक वुड क्या है हमारे पास, ये जो मटेरियल है वाइट, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। देखिए ये जो वाइट है, अगर मैं चेंज करूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास मटेरियल है, ये वुड का काम करेगा। ये वुड कौन सी होगी, ये वुड हम यूनिटी में जाके देखेंगे कि हमने कौन सी वुड असाइन करनी है। तो ना अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ओके। सबसे पहले तो इसको ऑल्ट जी प्रेस करके इसको हम ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देखें यहाँ पर ओरिजिन पे आ गई, टेबल के नीचे है बट मैटर नहीं करता, अभी ओरिजिन पे, क्योंकि हमने इसकी लोकेशन जो है उसको अप्लाई रखना है, ठीक है। लोकेशन भी अप्लाई होनी चाहिए, रोटेशन भी और साथ स्केल भी, ओके। तो और इसका साइज भी आपने देख लेना है, अगर मैं टॉप व्यू 7 प्रेस करूँ और यहाँ से इसका साइज आपको दिखाऊँ, तो देखें यहाँ पर विड्थ जो है ऑलमोस्ट इसके इतना इसका साइज है, ठीक है। तो इसका इतना साइज होना चाहिए और साथ इस पर मटेरियल अप्लाइड है। तो अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं इस तरह से, फाइल एक्सपोर्ट, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, हमने पहले भी अपने मॉडल्स के लिए किया, ठीक है। तो FBX में इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, और सेटिंग्स आपको पता होंगी जो हमने पहले भी की थी। यहाँ से हम कर लेते हैं मटेरियल्स को इम्बेड कर लेंगे, और यहाँ से सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगा जो भी हमारे सिलेक्टेड हैं करेंटली। इसके साथ अच्छा देखिए यहाँ पर एक और चीज़ इम्पोर्टेंट, अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में हमने पहले बात नहीं की, इसको अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। अब देखें अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन ये वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है मटेरियल तो मॉडल, ये जब एक्सपोर्ट हो जाएगा तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड होगी या नहीं, क्योंकि अगर हम ब्लेंडर के अंदर देखें, एन प्रेस करूँ अगर मैं, तो ब्लेंडर के अंदर तो हमारे पास अप्लाइड है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों ट्रांसफॉर्मेशन इसकी अप्लाइड है तीनों टाइप की। लेकिन जब हम इसको यूनिटी में एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने के बाद अगर मैं आपको टेबल का दिखाऊं, जैसे टेबल का जो हमारे पास सरफेस है, इसके देखें मटेरियल जो स्केल है वो ऑटोमेटिक हमारे पास 100 हो गया। अब इसका ये बिहेवियर, इससे प्रिवेंट करने के लिए हम इसको यहाँ पर चेक मार्क अगर लगाएंगे अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, तो जब हम इसको यूनिटी में इंपोर्ट भी करेंगे इसका साइज तो सेम रहेगा लेकिन इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो चाहे जितने भी हो यहाँ से वन हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है कि अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम स्टिक के लिए अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन कर भी देते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं है, और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसे अप्लाई ही कर लें। ज्योमेट्री में अप्लाई मॉडिफायर्स, अगर हमारे मॉडल पे कोई मॉडिफायर्स होंगे, और इसके अलावा एड लीक पॉइंट पर हम अनचेक करेंगे, बेक एनिमेशन पर भी अनचेक करेंगे, और इसके साथ इसको इस तरह से एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास पहले से एक स्टिक ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्सपोर्टेड है, तो जिसका नाम है स्टिक फर्स्ट, क्योंकि हमारी फर्स्ट स्टिक होगी, और आगे जाके हम डिफरेंट और स्टिक्स भी इम्पोर्ट करेंगे। तो इस वजह से अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास पहले से प्रोजेक्ट एक ऑब्जेक्ट जो है एक्सपोर्ट हुई है ये फाइल, उसको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं सेम इसी तरह से, बस मैंने एक्सपोर्ट कर दिया था पहले। तो अब हम क्या करते हैं FBX, ठीक है, यहाँ पर इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा मैं अपने FBX फोल्डर में, और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुका है। और अब हम क्या करते हैं यहाँ से इसको मटेरियल एक्सटर्नली यूज़ करेंगे इसको, जैसे हम करते हैं, तो इसके टेक्सचर्स आ जाएंगे। बट देखिए यहाँ पर इसके टेक्सचर्स नहीं आए हैं, ठीक है, इसके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। मसला ये हो सकता है कि ये ठीक से हमारी एक्सपोर्ट ही नहीं हो हुई होगी ब्लेंडर से, ठीक है। तो इस वजह से इम्पोर्ट करने में हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है इसके मटीरियल। लेकिन अगर हम मटीरियल्स में देखें, जो हमारा मटीरियल वाला फोल्डर है उसके अंदर देखें, हमारे पास ये जितने भी इसके मटेरियल्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं एक्सटर्नली, यानी कि यूज़ हो रहे हैं मटेरियल, बस टेक्सचर में अगर हम देखें तो हमारे पास टेक्सचर नहीं है, ठीक है।
ये स्टिक टेक्सचर, और ये जो इसकी रेंडर पाइपलाइन है वो यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन लिट, ठीक है। लिट जो है एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, लिट ही डिफॉल्ट भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफॉल्ट लिट जैसा है, बट अभी हमारे पास यहाँ पर इसका टेक्सचर मिस है। तो उसके लिए हम इसको दो तरीके से डील कर सकते हैं। एक तो ये कि हम फिर से ब्लेंडर में जाएँ, तो दोबारा से इंपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट कर लें, या फिर एक और मेथड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या हो सकता है कि हम इस मटेरियल पे जाएं और सबसे पहले इसका टेक्सचर जो है उसको आइडेंटिफाई कर लें। यहाँ पर इसका ये टेक्सचर है, ठीक है, जो हमने अभी देखा था ये टेक्सचर है। इस टेक्सचर को हमने अप्लाई करना है अभी साइड पर, कि शायद में इसमें रह गया होगा जो मैंने ठीक से देखा नहीं। ओके, तो अभी हम इसको इसी तरह से इम्पोर्ट कर लें, इसका टेक्सचर इम्पोर्ट कर लेंगे। यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं स्टिक, और इसके टेक्सचर को यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। हम देखेंगे डिफॉल्ट हमारे पास डिफॉल्ट भी सेट है अभी, यूआई या 2D स्प्राइट में सेट, तो हम इसको इसी तरह से ही कर लेंगे अप्लाई टेक्सचर। ओके, स्टिक टेक्सचर, पैडलॉक को लॉक करें, वापिस आए स्टिक, और देखें अब हमने टेक्सचर ये असाइन करना है, ठीक है। अब आपने नोट ये करना है कि जब हम ब्लेंडर में थे तो हमने इसकी यूआई क्रिएट कर लिए थे, ठीक है। अगर हम इस टेक्सचर की बात करें तो इसके फेसेस के हमने इस तरह से यूआई क्रिएट करके इनको असाइन कर दिया था प्रॉपरली। तो जब हम यूनिटी में टेक्सचर इसको खुद से असाइन करेंगे तो जो हमने यूआई इसका यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर क्रिएट किया होगा वही यूआई यहाँ पर भी क्रिएट होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हम यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपने बेस मैप में, तो देखें मटेरियल आ चुका है, और इसके साथ ही देखें स्मूथनेस है इसकी। स्मूथनेस हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैं इसको अभी के लिए 0.5 ही रखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्मूथ ही रखते हैं। और अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पर नॉर्मल मैप में भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम नहीं करेंगे। अगर मैं इसको नॉर्मल मैप में भी करता हूँ तो देखें यहाँ पर इस तरह से हमारे पास शो होगा। नॉर्मल मैप से क्या होगा, ये हमारे पास जो मटेरियल है उसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए उस पर, जैसे हम ब्लेंडर के अंदर बम्प ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे हम ब्लेंडर में बम्प ऐड करते हैं, तो इसी तरह से ये नॉर्मल मैप को क्रिएट कर देता है, यानी कि ये मटेरियल्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ उठा देता है, तो जिससे मटेरियल थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। बट अभी के लिए हमें ऐसा नहीं करना, हमने इसको शाइनी वुड ही रखा, तो इस तरह से हम इसको 0.5 कर देंगे इसकी रफनेस। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं जो हमारे पास मटेरियल पैडलॉक को मैनलॉक करेंगे, तो देखें यहाँ पर इसके मटेरियल जो है वो शो हो रहे हैं, और बाकी मटेरियल्स हमने खुद से असाइन करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन मटेरियल इसके अच्छे से अप्लाइड, देखें वो ही यूआई है जो हमने ब्लेंडर में क्रिएट किया था, सॉरी यूवी मैप जो हमने ब्लेंडर में क्रिएट किया। अब बाकी जो मटेरियल है वो भी हम साइन कर लेते हैं। कैसे हम साइन करेंगे, यहाँ पर देखें व्हाइट मटेरियल जो है इसको हम, हमारे पास जो था सिल्वर डायरेक्ट से लिया तो भी दे सकते हैं, ठीक है। और टेक्सचर आ गया ब्लैक को हम ब्लैक मटेरियल दे सकते हैं, वैसे तो पहले से भी ये ठीक है, या हम ये मटेरियल दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एनी मटेरियल दिखाई पड़े ब्लैक, चॉइस हमारी, हम कुछ भी रख सकते हैं। तो अब देखें वुड की बात आ गई, अब वुड पे हम कौन सा मटेरियल अप्लाई करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर भी अप्लाइड है, बल्कि अगर हम इस वुड को सॉलिड कलर में रखते हैं जैसे, तो अगर मैं इसको गुड शायद ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मुझे लगता है कि हमें यही मटेरियल इस तरह का रखना चाहिए, वुड का रखने से अच्छा, लेकिन हम चाहें तो हम सेम वुड जो हमारी टेबल पर अप्लाइड है हम उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट शायद इसी तरह से स्टिक, ठीक है, ठीक है, स्टिक भी इसकी बिल्कुल सही है। ओके, तो स्टिक का मॉडल हमारे पास यहाँ क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं,
हम चलते हैं अपने इस टिक को लेकर। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका प्रीफैब भी क्रिएट कर सकता हूँ एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेम्परेरी एक प्रीफैब क्रिएट मैंने कर लिया, ये मेन था तो मेरे प्रीफैब आ गया, और मैं चाहूँ तो उसको यहाँ से डिलीट कर दूँ और उसके बाद अपने दूसरे सीन में जाऊँ। ओ यस, और अब मैं सेम प्रीफैब वहां पर अपने सीन के अंदर ऐड कर लूंगा। ओके दैट्स इट, ये हम आ गए स्टेडियम सीन में। अब हम क्या करते हैं, हमने जहां पर ओके ये था, प्रीफैब को यहां पर रखेंगे और ये मतलब प्रीफैब आ। बट अगर क्या हो कि अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ प्रीफैब को, लेट्स सी, ठीक है देखें यहाँ पर रेड आ चुका है। रेड इसलिए आया है क्योंकि ये प्रीफैब गेट करने की कोशिश कर रहा है अपने हमारे एसेट्स में से, बट इसको प्रीफैब नहीं मिल रहा तो इस वजह से। लेकिन देखें यहाँ पर एक और भी इशू आ सकता है, मैंने आपको यही चेक करवाना था कि देखें यहाँ पर हमारे पास मैश फिल्टर जो है, इसका मैश फिल्टर एक्चुअली कहाँ है, इसका मैश फिल्टर हमारे इस मेन प्रीफैब के अंदर है। ठीक है, अगर मैं गलती से इसको ही डिलीट कर देता हमारे FBX प्रीफैब को तो क्या होता, तो इसका ये मिसिंग हो जाता। ठीक है, मैश जो फिल्टर है ये मिस हो जाता। या इसको हम एक और भी एक वे से कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि यही मैश है हमने यही रखना है, तो हम इसको कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी करेंगे, इसका फायदा क्या होगा, ये हमारे पास FBX फाइल से बाहर आ जाएगा यहाँ पर। अब हम इसको चाहें यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फाइल उसको शो करेगा। ठीक है, ये मैश को, तो अगर हमने किसी प्रीफैब से किसी स्पेसिफिक चीज को बाहर निकालना हो तो हम उसको कंट्रोल डी करके बाहर निकाल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। अभी के लिए हम इसको यूज नहीं कर रहा, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। देखें जैसे ही मैंने डिलीट किया तो हमारे पास मिस हो गया। ठीक है, यहाँ से मिस हो गया, तो इस वजह से अब हमें इसको रीअसाइन। ठीक है, तो ये आपने चीजें नोटिस करनी है सारी। ठीक है, नोट करनी है। ये काफ़ी समटाइम्स ऐसा होता है कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। अभी देखें जैसे ये रेड है, रेड प्रीफैब, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं प्रीफैब से ही हटा देता हूँ। ठीक है, अनपैक कर। ओके, तो अभी बिल्कुल ठीक, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जैसे होता है, एक मैश ऑब्जेक्ट उसकी तरह बिहेव करेगा। तो अब इसकी हमने अलाइनमेंट करनी है। अलाइनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जब हम मैकेनिक्स पे काम करेंगे तो डिपेंड में से करता है इसकी, सॉरी। अच्छा, अब अगर मैं देखना चाहूँ, देखें आपने बस ये नोट करना है कि जो उसका पॉजिटिव एक्सिस है, जो उसका फॉरवर्ड एक्सिस है वो पॉजिटिव जी एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, देखें जैसे मैं जी की वैल्यू पॉजिटिव में लेके जा रहा हूँ और पॉजिटिव में बढ़ा रहा हूँ, तो हमारे पास जो स्टिक है वो भी फॉरवर्ड मूव कर रही। ठीक है, तो आपने ये बस नोट में रखना है कि इसकी जो एक्सिस है वो परफेक्ट एक्सिस होना चाहिए। अगर परफेक्ट एक्सिस नहीं होता तो आप क्या करें, आप ब्लेंडर में आए यहाँ पर और अपने प्रोजेक्ट की सॉरी अपने मॉडल की ओरिएंटेशन चेंज करें। लाइक जैसे देखें मैंने इसको चेंज कर लिया, मैंने इसको जेड एक्सिस पर 90 डिग्री रोटेट किया, और उसके बाद यहाँ पर आप कंट्रोल ए करके रोटेशन अप्लाई कर दें। रोटेशन अप्लाई करने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट करें। ठीक है, इस तरह से आप 2-3 मरतबा ट्राई कर सकते हैं जब तक कि इसकी जो फॉरवर्ड पोजिशन है वो हमारे पास पॉजिटिव जी एक्सिस नहीं होती है। ठीक है, इसकी जो लोकल पॉजिटिव जी एक्सिस होनी चाहिए, बाकी डिपेंड नहीं करता वाई एक्सिस हमारा इसके टॉप पर ही और एक्स एक्सिस हमारे पास साइड पर ही। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ओरिएंटेशन इसकी ठीक कर लेते हैं, पोजीशन इसकी ठीक कर लेते हैं। मुझे इसको रोटेट करना है 90 डिग्री, -90 डिग्री एक्चुअली। ओके, और इसकी एक्स पोजीशन सेम होनी चाहिए जो कि हमारे पास बॉल की पोजीशन है, तो बॉल की पोजीशन है हमारे पास 0, सॉरी इसको हमने रोटेट कर लिया ना, तो अब इसकी एक्सपोजिशन चेंज हो गई है, तो हमें इसको जेड एक्सिस पर रोटेट करना। अब देखें अभी ये जो हमारे पास शो हो रहा है ये लोकल शो हो रहे हैं एक्सिस। ठीक है, लोकल कैसे शो हो रहे हैं, मैं इसको देखें रोटेट करूँगा तो साथ साथ एक्सिस भी रोटेट हो रहे हैं। अगर मैं अपनी बॉल पर हिट करूँ तो देखें इसका जो लोकल एक्सिस है, लोकल एक्सिस इसके किस तरह से सेट करें, जो इसका जेड एक्सिस है वो टॉप वाली साइड पे है और एक्स एक्स वाई एक्सिस इसका बैकवर्ड है और रेड एक्सिस इसका देखिए यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं
इसको सिलेक्ट करता हूँ अपनी स्टिक को, तो देखें स्टिक का जो टॉप एक्सिस है वो हमारे पास वाई एक्सिस और बाकी इस तरह से शो हो रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल अगर आपने करना हो तो यहाँ से हम इसको ग्लोबल भी कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसकी ओरिएंटेशन सेट कर लेता, उसको रोटेट भी करूँगा और इसको तो हम अगर 10 डिग्री पर ही रोटेट करें, बल्कि हम इसको 15 डिग्री पर रोटेट करें। हम इसकी ओरिएंटेशन इस तरह से क्यों रख रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होगा कि इस बॉल के आसपास भी बॉल्स होंगी और हम नहीं चाहते कि हमारी जो स्टिक है उन बॉल्स के साथ ओवरलैप करें, तो इस वजह से हम इसकी कुछ इस तरह पोजीशन रख लेंगे। देखें अभी ये अलाइन नहीं है, क्यों नहीं अलाइन, क्योंकि जो हमारी बॉल है उस पर भी कुछ पोजीशन है, लेकिन हमारे पास जो दूसरी बॉल है उन पर भी कुछ पोजीशन। तो इसका एक तरीका कार ये भी है जी, तो पोजीशन जो है वो तो सब पे सेम ही है, ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट सब पर सेम पोजीशन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो इसको तो फिलहाल के लिए जीरो कर देता हूँ, और जो बाकी ये हैं इन सबको मुझे ऑफसेट इनका इसी तरह से रखना है, ठीक है, ऑफसेट सेम रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको फर्स्ट बॉल को मैं यहाँ से इसकी वैल्यू कंट्रोल सी कर लेता हूँ, बस मुझे माइनस साइन को इग्नोर करना है, और यहाँ से स्नैपिंग ऑन करता हूँ, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको ट्रिक कह सकते हो, स्नैपिंग ऑन कर लेते हैं, और स्नैपिंग हमने सिर्फ जस्ट वन स्नैप ही इसको मूव करें तो ये ओरिजिन में आ जाएगा। ओके, ये रहा इसका, और इसको हम ड्रैग करेंगे और कंट्रोल प्रेस करेंगे और ये देखेंगे। ओके, देखें जीरो पर आ गए, क्योंकि हमारे हमने स्नैपिंग में वैल्यू ही वो दी थी जो हम इसको जीरो पे शिफ्ट करना चाहते हैं। बाकी अगर थोड़े से डिफ्लेक्ट होंगे भी तो उनकी खैर, बस जो हमारी मेन बॉल है यहाँ पर वो जीरो पर होनी चाहिए, और जो फर्स्ट बॉल है वो भी जीरो पर होनी चाहिए, ठीक है। देखें जब ये हिट करेगा तो ये परफेक्टली बिहेव करेगा। ओके, ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं इसको अलाइन, ठीक है। मैनुअली अगर हम करते एक एक तो वो बहुत टाइम लगता था। ओके, ये हमारे सेट हो गए स्टिक। अब देखें स्टिक को हमने किस तरह से सेट करना है, स्टिक को हमने किस तरह से सेट करना था हमने कर लिया, बट अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट जो हम जिसका पिवट पॉइंट सेम होगा हमारी बॉल के ऊपर, ठीक है। अगर मैं आपको क्रिएट ही करके दिखाऊँ तो हम राइट क्लिक क्रिएट एन गेम ऑब्जेक्ट, और उसको हम क्यू पी वॉट, और इसकी जो हम इसको सेम रखेंगे, ये जीरो नहीं है, ये जीरो है, बट ये जीरो नहीं है क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जीरो पर है किसके अकॉर्डिंग, अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखें ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन इनका पेरेंट देखें उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा। ये आगे जाके हमने डिस्कस करना है, पेरेंट क्या होते हैं, चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से बिहेव करते हैं, जब हम स्क्रिप्टिंग करेंगे तब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम ये लोकल लोकल और ये बेसिकली ग्लोबल का फर्क होता है कि जो वर्ल्ड स्पेस होती है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं या उसके पेरेंट जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मैं पेरेंट की पोजिशन चेंज करता हूँ, तो पेरेंट की मैंने वाई पोजिशन चेंज की है, तो वाई पोजिशन देखें यहाँ पर चेंज हुई है, लेकिन अगर मैं इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट में जाऊँ तो किसी की वाई पोजिशन ही चेंज नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि हमने उसके पेरेंट की पोजिशन चेंज कर दी है। और ये डिपेंड हमारा करता है, जब हम
करेंगे तो हमने उधर वैल्यू कौन सी देनी है, लोकल वैल्यूज देनी है या ग्लोबल वैल्यूज देनी है? लोकल जो हमारे पास इसकी अपनी होगी, और इसके अलावा जो वर्ल्ड स्पेस के अकॉर्डिंग होगी वो वैल्यूज हम असाइन करेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने हमारे पीवर्ड पॉइंट पर ये वैल्यू असाइन कर, और ये 0 है। तो अगर हम मैं वेरीफाई करूं तो जो उसका पीवर्ट है वो सेम हमारी बॉल का पीवर्ट बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने स्टिक को इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर, ओके? ये स्टिक इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, मैंने इसको इस तरह से क्यों किया? जब हम गेम प्ले करेंगे तो हमारी स्टिक रोटेटेबल होगी, ठीक है, अराउंड क्यू बॉल, ठीक है, वाइट बॉल जो हमारी क्यू बॉल, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये रोटेट हो रही है। तो इस तरह से मैंने इसको पेरेंट का चाइल्ड बना दिया। अब इस पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, जब प्लेयर हिट करेगा तो इसका जो लोकल एक्सिस है, मैं यहाँ से लोकल कर लेता हूँ, इसका लोकल एक्सिस है यहाँ से, जब ये हिट करेगा, हिट करने के बाद या हिट करने से पहले जब हम इसको रोटेट करेंगे तो वो हम इस एम्प्टी को रोटेट कर लेंगे, इसके पेरेंट को, बजाय इसके कि हम स्टिक को रोटेट करें। तो ये सिंपल भी है, इस पर असल में ये अरेंजमेंट क्रिएट किया है, ओके? तो हमारी स्टिक और पीवट जो है इसका, ये भी सेट हो गया हमारे पास, हमारी बॉल्स सेट हो गई। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको अगर अभी बताना चाहूँ तो मैं अभी बता दूँ, बट स्क्रिप्टिंग में भी हम देख सकते हैं, ठीक है? वो ये है कि देखें, इसका जो लोकल एक्सिस है वो हमारे पास यहाँ 0 है, यही बात है कि यहाँ पर देखें हमारे पास वाई एक्सिस जो इसकी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं क्या करूँगा, मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन 0 कर दूंगा, यानी कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन टोटली अप्लाई कर दूंगा। और अब जो हमारी बॉल्स हैं उनको मैं मैनुअली वाई एक्सिस पर उनकी कुछ वैल्यू दे दूंगा। वो वैल्यू कौन सी होगी, जो हमारे सेम इस पेरेंट के, इसी को मैं कॉपी करके इन सब बॉल्स के ऊपर यहाँ पेस्ट कर दूंगा। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि इन बॉल्स की लोकल पोजिशन, यानी कि इन बॉल्स की अपनी पोजिशन और जो पेरेंट के हिसाब से जो पोजिशन होगी वर्ल्ड के हिसाब से, वो सब सेम हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि जो पेरेंट होगा वो तो होगा ही 0-0 पर, तो उसकी पोजीशन मैटर ही नहीं करेगी क्योंकि वो बिल्कुल 0-0 पर ही है। इस वजह से हमने आगे का इम्प्लीमेंटेशन करनी है, बट हम ये बाद में कर लेंगे जब हम स्क्रिप्टिंग की तरफ चलेंगे, ओके?